हिजबुल्ला की कमर तोड़ने के बाद इसराइल ने उसके ठिकानों को तबाह करने के लिए जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बावजूद इसके लेबनानी प्रतिरोध भी इसराइल पर हमलों से बाज नहीं आ रहा है। हिजबुल्ला ने बताया कि लड़ाकों ने सीमा के पास दो अलग अलग अभियानों में इजरायली सैनिकों को मार गिराया। साथ ही उत्तरी हाइफा और गैलीली में दर्जनों रॉकेटों की बौछार कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। समूह ने दावा किया कि हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। दुश्मन के कई इलाके भीषण आग की चपेट में आ गए। हिजबुल्ला ने दावा किया कि लड़ाकों ने अल मलकिया साइट के पास एक इजरायली मरकवा टैंक को मिसाइल से निशाना बनाया, जिससे इजरायली सेना के कई जवान हताहत हो गए। वहीं दूसरे ऑपरेशन में हिजबुल्ला लड़ाकों ने मारून अल रूस मैदान में इजरायली सैन्य वाहनों और कर्मियों के एक काफिले पर ताबड़तोड़ हमला किया, जहां इजरायली सेना को मुंह की खानी पड़ी। इजरायली पुलिस ने भी किरेट शमोना और निचले गैलीली इलाके में रॉकेट हमलों के बाद बड़े स्तर पर नुकसान की जानकारी दी। इजरायली अखबार हारेट्स ने मेटुला बस्ती के मेयर के हवाले से बताया कि 50 रॉकेटों ने इस इलाके पर हमला किया। इससे काफ़ी तबाही मची। रॉकेट हमलों के बाद गैलीली में कई जगहों पर आग लग गई। लेबनान से करीब 100 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 40 रॉकेट एक घंटे में ही बरसे। दावा है कि हमलावरों का टारगेट पश्चिमी गैलीली में मिसगाव इलाका था। हिजबुल्ला ने इजरायली ठिकानों पर लगभग 200 रॉकेट दागे। वहीं लेबनान के प्रतिरोध लड़ाकों ने अपनी मिसाइलों का रुख इजरायली पीएम के आवास की ओर भी मोड़ा, जिसके बाद केसरिया में जोरदार सायरन बजने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आनन फानन में इजरायली पीएम नेतन्याहू को एक सुरक्षित शेल्टर ले जाया गया। इसके अलावा कई मंत्रियों ने अलकुत्स में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में शरण ली, जबकि इजरायली रक्षा मंत्री ने तेल अवीव से सुरक्षा मंत्रालय में एक अंडरग्राउंड परिसर में शरण ली। दावा है कि समूह के लड़ाके नई इजरायली बस्तियों को निशाना बनाकर अपने अभियान का दायरा बढ़ा रहे हैं, जिससे नुकसान के स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। बताया जाता है कि हिजबुल्ला ने उत्तर में इजरायली सैन्य ठिकानों के खिलाफ अपनी मारक क्षमता बढ़ा दी है। इजरायली समाचार वेबसाइट वाल्ला ने भी माना कि हिजबुल्ला के हमलों के दौरान नेतन्याहू कैसरिया में अपने निवास पर थे। लेबनान से आए जोरदार रॉकेट हमले से मार्काविम, मिसगाव, हनीफा, हाइफा, क्रेओट, अक्का, नहारिया और बेट शियान घाटी जैसी बस्तियों में अलार्म सायरन सुनाई देने लगे। इजरायली मीडिया ने हाइफा और क्रेओट के आसमान में हालत को बेहद चिंताजनक और खतरनाक बताया। माना जा रहा था कि हसन नसरल्ला के खात्मे के बाद इजरायली सेना का लेबनानी ऑपरेशन सुस्त पड़ सकता है, मगर हुआ इसके एकदम उलट। इजरायल ने लेबनान में जमीनी हमला शुरू कर दिया। दावा है कि इजरायल ने उन ठिकानों पर हमला बोला है जहां से हिजबुल्ला लड़ाके इजरायल पर हमला करते हैं। वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो हिजबुल्ला के लड़ाके हमास के मुकाबले में बेहतर हथियारबंद और ट्रेंड हैं, जिसमें लड़ाई कहीं अधिक कठिन होने की संभावना है। मालूम हो कि बीते दिनों इजरायली सेना ने बताया था कि लेबनान में पहले डेढ़ दिन की लड़ाई में उसके 8 सैनिक मारे गए थे, जो गाजा पर युद्ध के दौरान दैनिक हताहतों की तुलना में ज्यादा संख्या है।